हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रोज़ रोज़ एक जैसी सब्जी दाल खा के बोर हो गए हैं, तो आज हरी मिर्च की रेसिपी बनाइए और इसको आप फिर चाहें जब तक स्टोर करके रखें। तो मिर्च को आपको इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है। उसके बाद में लेना है एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच ही यहाँ पर लेना है आपको सूखा हुआ धनिया। तो धनिया को डाल के और इसको सौंफ को हम दोनों को अच्छे से बारीक कूट लेंगे। तो इस तरीके से मसाला आपको ज़रूर तैयार करना है। चलिए लेते हैं अब एक बड़ा चम्मच ऑयल। सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे एक टीस्पून हींग और हींग को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। इसके बाद इसमें हम अब जो हमने मिर्च ली है ये डालेंगे और इनको हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। फ्राई करने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। मिर्चों को अच्छे से चलाते रहें और फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें। अच्छे से जब ये गोल्डन हो जाएंगी तब तक इन्हें आपको फ्राई करना है। इस तरीके से गोल्डन हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। फ्लेम को बंद करेंगे, मिर्च को निकाल लेंगे और उसी में एक बड़ा चम्मच तेल और डालेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोज़ देख पाएँ। फिर इसमें मैंने बारीक कटे हुए 3 प्याज डाल दिए हैं, अच्छे से जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। पीसना नहीं है, अगर हम प्याज को पीसते हैं तो अच्छे से प्याज भुन नहीं पाता है, इसलिए बारीक से बारीक चॉप करें लेकिन पीसे नहीं। अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे हम यहाँ पे प्याज को भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े साइज के टमाटर, मैंने जिन्हें कि अच्छे से पीस लिया है। इसी में आप चाहें तो 2 हरी मिर्च भी पीस लें, क्योंकि ये मिर्च चटपटी नहीं होती है, स्पाइसी नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च पीस लें। टमाटर में अदरक का एक टुकड़ा छोटा सा डाल लें और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लें और फिर हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमें ये मसाला भून के तैयार करना है, क्योंकि टमाटर है, पानी ज़्यादा है, तो इसलिए हाई फ्लेम रखें और हाई फ्लेम पे ही इसे आप भूनें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें आप। और फिर इसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मसाले ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई गरम मसाला हमने यूज नहीं किया है। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे इन सबको भूनेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि मसाले आपके अच्छे से भून ना जाएं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे टमाटर जो है भून चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो हरी मिर्च हमने फ्राई करके रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान रखें कि मसालों को अच्छे से भूनना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिर्चों को डालना है। मिर्चों को फ्राई ज़रूर कर लें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और अब इसमें हम वो वाला मसाला डालेंगे जो हमने पीस के रखा है। तो इसमें मसाले डाल देंगे जो दोनों हमने धनिया और सौंफ पीस के रखे हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मसाले ज़रूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी और अचार से भी टेस्टी ये मिर्च बनके तैयार होती हैं। कम से कम आप इन्हें 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, मसाले मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन्हें कुक कर लेना है ताकि अच्छे से मसाले पूरे हमारी इस मिर्च में अच्छे से मिक्स हो जाएं और कवर करके 2 मिनट ज़रूर पका लें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार हमारी ये मिर्च की रेसिपी तैयार है। इसे किसी भी टिफ़िन में, डब्बे में आप पैक करके फ्रिज में रख लें। पराठा, पूरी, रोटी, दाल, चावल किसी के भी साथ 2 चम्मच ये मिर्च काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।